भाइयों और बहनों, जो अपने शहीदों को याद नहीं रखते वो समाज, वो सभ्यताएं कभी विकास नहीं कर सकती। दुर्भाग्य से आजादी के 70 वर्षों में यही होता रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, लेकिन इन वंशवादियों ने, जिनके गुण गागा कर दिल्ली यहां तक पहुंची है और जिनके भरोसे दिल्ली के सपने देखती है, उन्होंने नेताजी को भुलाने की साजिश रची। हमने आजाद हिंद फौज के भारत की आजादी में योगदान को फिर से उचित स्थान दिया। इस बार आजाद हिंद सरकार की 75वीं जयंती लाल किले पर धूमधाम से मनाई गई। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सेनानी भी पहली बार परेड में शामिल हुए। भाई और बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र की आजादी के लिए बलिदान दिए, हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान दांव पर लगाया। हम सभी को तो ये गौरव नहीं मिल पाया, देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो हमारी अगली पीढ़ी है, क्या उसके लिए सुरक्षित और समृद्ध भारत छोड़ना ये हमारी जिम्मेदारी है। और आप मुझे बताइए, क्या टीएमसी की वोट बैंक की सोच भारत को सुरक्षा दे सकती है? जो घुसपैठियों के चरणों में लोटपोट है, वैसी विचारधारा क्या दुश्मनों से रक्षा कर सकती है? दिल्ली में टीएमसी और महामिलावटियों की मजबूर सरकार क्या देश को स्थिरता दे सकती है? ये काम कौन कर सकता है? 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 मोदी ये काम तभी कर पाएगा जब आप पूरी शक्ति से दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनाएंगे।